पोइट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर था आपका चैप्टर टू, माय गुड राइट हैंड, ठीक है ना। और इसमें भी मैंने चार पांच क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगवाए थे, वो ही आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट, व्हाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, 2 मार्क्स में। और सेकंड, विच आर द टू थिंग्स दैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन, एक्सप्लेन, ये 3 मार्क्स का। और वो डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट, ये 3 मार्क्स का, मतलब कि जो गुड राइट हैंड वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोइम, 4 मार्क्स। और लास्ट, पांचवा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोइम माई गुड राइट हैंड। ध्यान रखना दोनों की थीम, रिस्क की भी अपने थीम पढ़ी थी और माई गुड राइट हैंड की भी थीम पढ़ रहे हैं। ये थीम वेरी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और फिर इसमें एक स्टेंजा है, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन तीनों पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क्स का है, ठीक है। ये हैं, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरी वन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। ये ADVISERS है, ठीक है, वो एस के बीच में। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड आई थिंक दे आई ट्रस्ट सी माई गुड राइट हैंड, ये 4 मार्क्स का, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टेस्ट, अच्छी मेहनत के साथ आपको देना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।